मैं ऐसा भागा बाप हूँ जो यहाँ पे बोलता हूँ कि हे भगवान हमारे बेटा के कहिया मार देव, ये हम एक श्राद्ध करके निश्चित मेरे कंधे पर मर के चला जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग अभागा हैं सर, हम लोग का ब्याह शादी लगन में होता है ना, तो बगल का जो बढ़िया परिवार जो होता है ना, वो हमको हमको चाहे चौका चुमाओं नहीं करने देता है। पूछते हैं का है सर, अरे लोथी के बाप हो, लोथी के बेटा हो, समझ गए ना सर, पिलुआ पड़ते हमर जे खतई ना वो हमरे ऐसा हो जाता है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी पांचों बार माथा टेके होंगे। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, पता नहीं होगा सर, ये बात अगर बोल देंगे तो यहाँ पर गड़बड़ पूछ के पैदा किया था विकलांग बच्चा। नहीं नहीं बोलता है कि नहीं बोलता है सर, इसको इतने रहिए, इसको आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सर, हमको जान मार देगा सर। अचार के खपरैया मिर्चाई के चटनी खा के घर से चलते हैं तो सर निमन बोली कहाँ से निकलेगा। कितना बजे निकले घर से? घर से निकले हैं 4 बजे भोर में सर, मोटरसाइकिल से सुपौल से आए हैं सर, औरंगाबाद से आए हैं, बक्सर से आए हैं। अभी लोग का दाल रोटी पर भी आपत हो गया, याद कर लीजिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, याद कर लीजिए जेट विमान भी आ रहा है, किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था चल रही थी इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि बजट नहीं है। विकलांग बच्चों के या दिव्यांग बच्चों का डाटा इकट्ठा करेंगे, उसमें जो जो गंभीर रूप से 10 बच्चे होंगे उनको अलग छांटेंगे और उनपे मेरा काम शुरू होता है। जैसे अब हम उनके घर पे जाएंगे, इस बच्चे का विकलांगता प्रमाण पत्र बना है कि नहीं बना है वो बनवाए, उसके बाद इसको पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है ये करवाना है, और उनके दैनिक क्रियाकलाप जो है जैसे मुंह धोना, ब्रश करना, नहाने का सीख, मतलब ये यानी कि नहाने से लेकर के नेटा पोछने तक सब। सर हम लोग के पूरे बिहार में अगर पूरी नियुक्ति हो जाती है तो 4479 पद सृजित किया गया 2010 में। पहले फेज में जब बहाली का अधिसूचना जारी हुआ तो उस समय 1600 अवलंबकों की नियुक्ति के बारे में दिया गया, लेकिन किसी कारण से हम लोग हमें पूरे एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं बता सकते हैं, 1182 लोगों का बहाली हुआ पहले फेज में। आप लोग आज मोदी जी भी कहते हैं विकलांग मत बोलो, दिव्यांग बोलो, लेकिन सर आपको बता दें अगर ऐसे दिव्यांग बच्चों की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप उनके माता पिता की मदद कीजिए जो उस दिव्यांग बच्चे के कारण दिल्ली कलकत्ता घूमने नहीं जा पाते हैं। सही बात, समझ रहे हैं ना सर। आज हम लोग हमारा ग्रेजुएट है ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो विकलांगता के क्षेत्र में डिप्लोमा लिए हुए हैं लेकिन भगवा रहे हैं, कोई नहीं सुनता है सर। वेतन मिलता था 3000 सर, मात्र 3000 साल से बंद है सर, 9 साल हो गया। बताइए राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में है, आपको पता है कि मंत्री जी ये दिखाने का प्रयास आज कर रहे हैं कि हम जनता के लिए हैं, और यहाँ देखिए कि अवलंबक शिक्षा सेवक के तरफ से लोग पहुंचे हैं, कोई बक्सर से आए हैं, कोई दूसरे जिले से आए हैं। इनका मांग ये है, ये काम क्या करते हैं पहले ये समझ लीजिए, जो डिसेबल बच्चे होते हैं या जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं सरकार उनके लिए एक विशेष व्यवस्था रखती है स्कूलों में, उनका ये लोग देख रेख करते थे, लेकिन लगभग जो है 9 सालों से ये कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम ये बोझ नहीं उठा सकते हैं इसलिए हम इसको समाप्त करते हैं, लेकिन ये लोग सेवा दे रहे थे। अभी ये लोग का दाल रोटी पर भी आपत हो गया, याद कर लीजिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, याद कर लीजिए जेट विमान भी आ रहा है, किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था चल रही थी इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि बजट नहीं है। उसी बजट में से हेलीकॉप्टर आ रहा है, जेट आ रहा है, लेकिन जो बच्चे को जरूरत है, जिन लोग देख रेख कर रहे थे उनको इग्नोर किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश कुमार जी कहाँ से आए हैं? हम राजा पाकर प्रखंड से आए हैं, वैशाली। राजा पाकर वैशाली, ठीक है। तो क्या आप लोग यहाँ आए हैं, कितने की संख्या में आए हैं, कितना लोग हैं, और सरकार का क्या आप लोग को बोला गया है, क्या बजट की बात क्या है बोला सर? ऐसा है कि हमारी जो नियुक्ति है विकलांगता के क्षेत्र में है, और ऐसे दिव्यांग बच्चे जो सहायक उपकरण के सहायता के बाद भी विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, उनके माता पिता को ये काम दिया गया है, ठीक है सर। हम लोग के पूरे बिहार में अगर पूरी नियुक्ति हो जाती है तो 4479 पद सृजित किया गया 2010 में। पहले फेज में जब बहाली का अधिसूचना जारी हुआ तो उस समय 1600 अवलंबकों की नियुक्ति के बारे में दिया गया, लेकिन किसी कारण से हम लोग हमें पूरे एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं बता सकते हैं, 1182 लोगों का बहाली हुआ पहले फेज में। आप लोग जो वहाँ बच्चे रहते हैं उसका कैसा सेवा करते हैं बताइए? बताते हैं सर, ऐसा है सर कि हम लोग को पूरे CRC में पहले CRC का संकुल संसाधन केंद्र, ठीक है,
में घूमते हैं हाँ। और संकुल संसाधन केंद्र में जितने विद्यालय हैं, जैसे मेरे संकुल संसाधन केंद्र में 21 विद्यालय हैं, तो 21 विद्यालय में विजिट करेंगे और उस विद्यालय का जो परिक्षेत्र होगा हाँ। उसमें भी विजिट करेंगे और वहां से विकलांग बच्चों का या दिव्यांग बच्चों का डाटा इकट्ठा करेंगे हाँ। उसमें जो गंभीर रूप से 10 बच्चे होंगे उनको अलग छांटेंगे और उनपे मेरा काम शुरू होता है। जैसे अब हम उनके घर पे जाएंगे, इस बच्चे का विकलांगता प्रमाण पत्र बना है कि नहीं बना है वो बनवाए, उसके बाद इसको पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है ये करवाना है, और उनके दैनिक क्रियाकलाप जो है जैसे मुंह धोना, ब्रश करना, नहाने का सीख, मतलब ये यानी कि नहाने से लेकर के नेटा पोछने तक सब आसान सर। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज मोदी जी भी कहते हैं विकलांग मत बोलो, दिव्यांग बोलो, लेकिन सर आपको बता दें अगर ऐसे दिव्यांग बच्चों की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप उनके माता पिता की मदद कीजिए जो उस दिव्यांग बच्चे के कारण दिल्ली कलकत्ता घूमने नहीं जा पाते हैं। सही बात, समझ रहे हैं ना सर। आज हम लोग हम ग्रेजुएट हैं, है ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो विकलांगता के क्षेत्र में डिप्लोमा लिए हुए हैं लेकिन भगवा रहे हैं, कोई नहीं सुनता है सर। वेतन मिलता था 3,000 सर, मात्र 3,000 नहीं दे पा रही है, 3,000 9 साल से बंद है सर, 9 साल हो गया, बताइए, कोई नहीं सुनता है सर। 3 शिक्षा मंत्री को देख लिए हम लोग, वीर सिंह पटेल को देखे, अशोक चौधरी को देखे, कृष्णदेव कृष्णनंदन वर्मा के दरबार में गए हाँ। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी 5 बार माथा टेक के होंगे, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, नहीं होगा सर ये बात, अगर बोल देंगे तो यहाँ पर गड़बड़, बोल दीजिए पूछ के पैदा किया था विकलांग बच्चा मुख्यमंत्री, नहीं बोलता है कि नहीं बोलता है सर, इसको इतने रहिए, इसको आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सर, हमको जान मार देगा सर, बस इतने रहने दीजिए, हम लोग अभागा है सर, हम लोग का ब्याह शादी लगन में होता है ना, तो बगल का जो बढ़िया परिवार जो होता है ना वो हमको हमको चाहे चौका चुमाऊ नहीं करने देता है, पूछते है कहे सर रे लोथी के बाप हो, लोथी के बेटा हो, समझ गए ना सर, पिलुआ पड़ते हमर जो खतई ना वो हमरे ऐसा हो जाता है। एगो और बात कह दे जी सर, हमारा तो एगो भगवान ऐसा देले है सर, जे जे हमर बात के न सुनै छत ना उनका भगवान जोरा दत्त, जे हमर दर्द के एहसास उनका हो, समझे सर हाँ, भावुक हो रहे हैं, बिल्कुल जलल है सर, जरलहवा है सर, हम लोग अचार के खपरैया मिर्चाई के चटनी खा के घर से चलते हैं तो सर निमन बोली कहाँ से निकलेगा, कितना बजे निकले घर से, घर से निकले हैं 4 भोर में सर मोटरसाइकिल से, सुपौल से आए हैं सर, औरंगाबाद से आए हैं, बक्सर से आए हैं, इसीलिए आए हैं कि अखबार में पढ़ लिए थे हम लोग सर, बहुत उतने टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप नहीं है, अखबार में पढ़ लिए, आज भी मेरे पास सर छोटा वाला ही मोबाइल है, हम उतना हाई फाई नहीं है सर, पेपर में पढ़े तो शिक्षा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो हमारे एक बंदे अंदर में गए हुए हैं मिलने मुख्यमंत्री जी से, हम लोग तो यहाँ पर है उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या होता बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम लोग किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, बेटा या बेटी, बेटा है सर 22 का जवान बेटा है, अब उसका हम और हम अभी लॉली चलाते हैं, हम लॉली चलाते हैं सर, और मेरे एक बच्चे हैं मेरे क्षेत्र में, आइए मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे भी लोग हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 3,000 हाँ, सरकार को नहीं हाँ, नहीं सर, और सर आपको बता दें सेलिब्रिटी पॉलिसी एक बहुत जिसमें जितने ही बच्चे हैं ना, नहीं ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसमें जितने भी बच्चे हैं सर मिलकर सर विकलांग दिव्यांगता के क्षेत्र में 4 क्षेत्र हैं, MRCP, तो इसमें मैक्सिमम लोग के बच्चे MRCP हैं जो अपनी भावना को ही प्रकट नहीं कर सकते हैं, मेरा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा बच्चा बोल लेता है ना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं कुर्सी पर पड़े हुए रहते हैं, तो सर एक चीज और सर हाँ, एक सूर्योदय होता है ना सर, तो सारे लोग जब सो के उठते हैं ना तो कहते हैं कि भगवान मेरे बेटे को दीर्घायु करना, मैं ऐसा भागा बाप हूँ जो यहाँ पे बोलता हूँ कि हे भगवान हमारे बेटा के कहिए मार देव, ये हम एक श्राद्ध करके निश्चित मेरे कंधे पर मर के चला जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शर्म आ रहा है नेताओं लोग को तो शर्म कर लीजिए, नहीं तो चुल्लू भर पानी में तो आप लोग डूब नहीं पाइएगा, क्योंकि चुल्लू भर पानी भी जो है आप लोग को मुमूसर नहीं होना चाहिए। 3,000 रुपया लोग को लगता है मात्र महीने का, कितने लोग हैं सर, एक दिन का चाय आप लोग उतना का पी लेते होंगे, और ये जो परिवार है किसी का बेटा है कह रहा है कि बेटा मेरा मर जाए हम ये मना रहे हैं, सोचिए कि ये स्थिति बिहार की है, वो बाप कह रहा है कि मेरा बेटा मर जाए हम ये मनाते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि मेरा बेटा जो है आगे सफल हो नौकरी ले, लेकिन ये कह रहे हैं कि मर जाए वो ज़्यादा अच्छा, ये स्थिति बिहार की है। और बिहार में क्या खरीदा जा रहा है, हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, जेट विमान खरीदा जा रहा है, वही कहावत है कि खाने का ठीक नहीं है बिहार को, लेकिन नहाने का तड़का वो लगा रहे हैं। ये लोगों का बात सुनिएगा तो आप लोग को लगेगा कि चलिए इतना तो होते रहता है, लेकिन इनके मोहल्ले में जाइए कह रहे हैं कि आप हमारे
क्षेत्र में आइए और जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि विकलांग मत बोलिए, दिव्यांग बोलिए, शब्द बदलने से कुछ नहीं होता है, बदलना है तो इनके जीवन को बदलिए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।